नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ SC, ST, OBC और अपर कास्ट के प्रतिनिधित्व की, जो केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में है, साथ ही अन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में है। जब से बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे का रिपोर्ट जारी किया, बहुत से तत्वों को पेट में मरोड़ आने लगी है। अब बहुत से लोग उस पर तरह तरह की नुक्ताचीनी कर रहे हैं। मैं इसमें स्पष्ट कहूं कि हम लोग भी एक अपार्टमेंट में रहते हैं, दो बार प्रगणक आए हैं हम लोगों के भी अपार्टमेंट में, एक बार जब हाउस सर्वे चल रहा था जनवरी 23 में और एक बार जब प्रत्येक परिवार के सदस्यों की गणना हो रही थी और 17 पॉइंट पर जानकारियां ली रही थी। तो फिर ये कहने का क्या मतलब है? ये ठीक है कि जो लोग बाहर थे तो उसमें यह प्रावधान भी था कि आस पड़ोस से भी पूछा जाएगा, और ये जो कह रहे हैं कि मुझसे दस्तखत नहीं कराया गया, यह उसमें प्रावधान था कि जो नहीं है तो कोई दस्तखत जो है वह एकदम कंपल्सरी भी नहीं था। तो इस परिस्थिति में पहले चूंकि बहुत लोग कहते थे कि हमारी जाति की आबादी 10% है, 20% है, 15% है, उच्च जाति जैसे कहा करती थी कि बिहार में 20% आबादी है, जो वैश्य समाज है वो कहते थे हमारी 30% से ऊपर आबादी है। सच्चाई यह है कि वो 1931 के ही संसद से पता था कि किनकी कितनी आबादी मोटा मोटी आएगी। दिक्कत ये हो गई है लोगों को कि लोग जो 52% का अनुमान कर रहे थे वो फिगर आ गया है 63%। इसलिए तो मैं वैसे तत्वों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जो केंद्र में सत्तारूढ़ है NDA सरकार, उनसे अनुरोध करें कि 2021 के सेंसस के फॉर्मेट में एक कॉलम जाति डाल दी जाए, सारा खेल खत्म। जो बिहार सरकार पर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो भी बात खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार से अनुरोध करें वैसे सारे नेता, वैसे सारे दल, वैसे सारे संगठन कि केंद्र सरकार ही एक कॉलम बढ़ा दे और सभी जाति की गणना कर ले, उसमें ऑटोमेटिक उसका सोशियो इकोनॉमिक फिगर आ जाएगा, उसके एजुकेशनल स्टेटस की स्थिति आ जाएगी, चल अचल संपत्ति की स्थिति आ जाएगी, उनके नौकरी रोजगार की स्थिति पता लग जाएगी। तो फिर बात कहाँ है? जो काम नहीं कर पाई है अभी तक बहुत सी सरकारों ने, बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कर दिया, जिसमें पूरे महागठबंधन के सभी दलों ने सहयोग किया। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी इसके लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। अब ये वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि जो इकोनॉमिकल डाटा है वो अगला जो सेशन आएगा बिहार विधानमंडल का, वो उसमें सारे फिगर को रख दिया जाएगा। और अभी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि कास्ट सेंसस में कोई गड़बड़ी नहीं है। जब बिहार के सबसे आला अधिकारी ये कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें ये भरोसा है कि कमिश्नरी से लेकर राज्य स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के जितने भी पदाधिकारी और कर्मी ने इनमें भाग लिया है, उन्होंने बहुत ही तत्परतापूर्वक और काफ़ी तन्मयता के साथ इस कार्य को पूरा किया है, चूँकि इस पर पूरे देश की नज़र थी। मैं वैसे लोगों से जो बार बार यहाँ टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उन्हें एक फिगर दिखलाना चाहता हूँ कि आप जरा इन बातों पर क्यों नहीं आप गौर करते हैं कि भारत सरकार के नौकरियों में क्या प्रतिनिधित्व है SC, ST, OBC और जनरल कास्ट का, इसको आप देखिए। अभी अखिल भारतीय पिछड़ा महासंघ के एक प्रवक्ता ने भी जारी किया कि सरकार ने सदन में यह फिगर दिया है। मैं ये बतलाऊं कि इसमें जो फिगर सदन में पेश किया गया है उसमें बतलाया गया है कि OBC की जो भागीदारी है सेंट्रल सर्विसेज में, ग्रुप ए में 16.88, बी में 15.77, सी में 22.54 और डी में 20.14। शेड्यूल कास्ट की का जो प्रतिनिधित्व है ग्रुप ए में 12.86, बी में 16.66, ग्रुप सी में 18.22,
और ग्रुप डी में 32.72। सिरुल ट्राइब का जो रिप्रेजेंटेशन है ग्रुप ए में 5.64, बी में 6.55, सी में 6.91 और डी में 7.66। और यह तीनों कैटेगरी जो है एस सी एस टी ओ बी सी उनको मिलाकर ग्रुप ए में 35.38, बी में 38.98, सी में 47.67 और डी में 60.52। और जो सामान्य जातियां हैं जिन्हें हम उच्च जातियां कह सकते हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है ग्रुप ए में 64.58, बी में 61, सी में 52.22 और डी में 39.46। ये फिगर है, ये रिप्रेजेंटेशन है। ग्रुप डी में भी 60.52 इसलिए है सी एस टी ओ बी सी का कि ये चतुर्थ वर्गीय पद जिनमें सामान्य जाति के लोग जो सवर्ण माने सवर्ण जातियां हैं उनके लोग उसको प्रेफर नहीं करते। अब मैं ये बताऊं कि राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के अभी प्रेसिडेंट हैं माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने प्रश्न किया था जिसके जवाब में सरकार ने 1 जनवरी 2020 के आधार पर जो फिगर दिया केंद्र की सरकारी नौकरियों में, वो फिगर था कि शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व सिर्फ 13.4% है, शेड्यूल ट्राइब का 6% है और ओबीसी का 16.4% है, टोटल 36%। ये फिगर उससे मिल रहा है जो मैंने पहले जारी किया है ग्रुप ए बी सी डी के रूप में, तो ये कुल मिलाकर है। और समान वर्ग का प्रतिनिधित्व उसका हो गया इसका मतलब कि 64%। जहाँ तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है, ये भी सरकार ने 2/12/2021 के को बेस मानते हुए जो जवाब दिया उसमें है जो मैनेजेरियल पोस्ट है उसमें कि शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व 16.28, शेड्यूल ट्राइब का 6.93, ओबीसी का 19.50, टोटल 42.71 और जो सामान्य जातियां हैं वो 57.29। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि कई जगह फिगर देखेंगे कि जहां तक लोअर जुडिशियरी का सवाल है उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस का प्रतिनिधित्व सिर्फ 23% है और हाई कोर्ट्स में सिर्फ 12% है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी यही मोटा मोटी स्थिति है। ये तो प्रतिनिधित्व है। मैं वैसे तत्वों को जो टीका टिप्पणी बिहार सरकार के जातीय सर्वेक्षण पर कर रहे हैं उनको जरा उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप इस पर क्यों नहीं बोलते कि जो लेटरल इंट्री से अपॉइंटमेंट हुए हैं 340 लोगों के उनका फिगर आप जारी कीजिए कि उसमें कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने माइनॉरिटीज हैं। उनको ये फिगर जारी करना चाहिए कि देश की जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और जो लगभग 500 अन्य सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें वाइस चांसलर्स कितने हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के। उनको ये जारी करना चाहिए कि आईआईटी आईआईएम एम्स के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का के फैकल्टीज का परसेंटेज क्या है। जो पूरे देश के यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर के पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद हैं उनके प्रतिनिधित्व पर उनको जवाब देना चाहिए, जनता के सामने देश की जनता को बतलाना चाहिए कि उसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज का क्या प्रतिनिधित्व है। मैं फिर कहना चाहूँगा वैसे तत्वों से कि जो बिहार सरकार के कास्ट सर्वे पर उंगली उठा रहे हैं उनको सीधे सीधे भारत सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि 2021 का जो कास्ट सेंसस पेंडिंग है उसमें एक कॉलम डाला जाए जाति का और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये देश के हित में होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय।